एक्चुअली ये जो हो रहा है मेरे कैलकुलेशन से टोटली गलत हो रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो होते हैं एक इंसान की जान बचाने वाला हो तो जान लेने वाला तो बिल्कुल नहीं होते। एक वार्ड का दर्जा दिया जाता है हमारे समाज में भी देश में। और दूसरी बात यह है सरकार को तो ये फैसला होना चाहिए पहला उसकी जो गलत क्या सही क्या उसको पहला उसको जानकारी लेना चाहिए, उसका बाद जिसको ऊपर जो सजा होते हैं और देशद्रोही का जो उसको पर ड्यूटी साबित लगी हो उसको बाद में फैसला किया जाता है विदाउट विटनेस से कुछ नहीं होता है। सरकार को तो सब पता है, इनके बारे में सरकार को पता नहीं है ऐसी बात नहीं है। सरकार तो आज के डेट में सब मिली खुद बताऊँ ना उसका सरकार तो मिली बगत का हर चीजें चलते हैं। सरकार क्या चलते हैं जिधर नोट है जिधर सपोर्ट है वहाँ पे सरकार है। आज के डेट में अपनी सरकार भी इतनी साथ नहीं लग रहा उनको जैसा हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है टोटल। सरकार पहले तो सरकार को तो ये सब सोचना चाहिए जो बेबुनियाद है डॉक्टर उसको तो ऐसा सजा नहीं होना चाहिए, उसको देशद्रोही का जो दर्जा मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगाया उसको हटाना चाहिए। और टोटली हम लोग भी उसके कॉपरेट है क्योंकि हम लोग आम जनता है, डॉक्टर को तो हम लोग कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग का ऐसा कोई एक इंसान के रिलेशन उसके हिसाब से उसको हम लोग टोटली उसी का सपोर्ट करेगा। देखिए डॉक्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ डॉक्टर एक जान लेने वाला नहीं होते और क्यों वो डॉक्टर जान बचाने वाले होते हैं, उसको टोटली अपने समाज की वो अपने जो हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक को उसको कॉपरेट करना जरूरी है। सही क्या गलत क्या उस फैसले को सामना लाना ही जरूरी है क्योंकि ऐसे दोषी नहीं कराया जाते। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर खाली है। आप क्या काम करते हैं? एक्चुअली मेरे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादर शेख है, मैं ऑटो चला रहा हूँ जी। कहाँ से? कुर्ला से ही है। आप कुर्ला जी? आप दोनों कोई संदेश विनायक सिंह साहब के लिए अगर हम उन्हें कहें कि हमारे साथियों ने मुंबई से ये संदेश दिया है तो आप विनायक सिंह को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रायपुर जेल में? हम यही कहेंगे सर हम जो आपके साथ में जल्द से जल्द आपको रिहा मिले, जल्द से जल्द आप बाहर बेल पे आ जाए जी। हम यही सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो डॉक्टर को जो तुमने इधर रखा है इतने दिनों से फालतू से बुनियाद तो उसको एक बेल दे दो, उसके बाद जो तुमको फैसला करना उनके सबूत मिल सके उनके बारे में पूछता सबूत तो जब आप उसके बारे में कुछ फैसला करें तो उसके बारे में आपके पास जनता भी है, जनता देखी कि सबूत तो जब उनको सजा होती है बिना कारण कोई किसी पर ऐसा सजा नहीं दे सकता। ठीक है जी। आप कुछ कहना? हाँ डॉक्टर साहब आप जो निर्दोष है ऐसा हो तो आप बिल्कुल आपको घबराने जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान की पूरी जनता आपका साथ है और हम भी आपका साथ है, हम आगे बढ़ेगा आपके लिए और फुल कोऑपरेट करेगा और सरकार से भी हम लोग जैसे जो भी आप समझ जाइए हम लोग आगे बढ़ेगा आपके लिए, आपको बचाने के लिए और आपको निर्दोष साबित करने के लिए हम आगे बढ़ता रहेगा, आपका साथ हमेशा है, आप घबराने जरूरत नहीं, हम आपका साथ है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।